तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का नाम आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, है ना। ये जो टेलीस्कोप है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने को स्टार्स, प्लैनेट्स ये देखने में मदद करता है, ठीक है। जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स काफ़ी दूर हैं हमसे, वो बहुत छोटे नज़र आते हैं, ठीक है। वो अपने को क्लियरली दिखते नहीं है, बहुत छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि अपने से बहुत दूर हैं, बहुत ही फार हैं, ठीक है। बहुत छोटे नज़र आते हैं, पर क्या वो वाकई में छोटे हैं? नहीं, एक्चुअली जो स्टार्स प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से भी बड़े हो सकते हैं, पर फिर भी अपने बीच में जो आप हैं और आपका जो स्टार है उसके बीच में इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो ऑब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो इसी जो प्रॉब्लम है जिसको आप देख नहीं सकते, वो दूर हैं, इसलिए इसी को सॉल्व करता है आपका टेलीस्कोप, ठीक है। तो एक्चुअली टेलीस्कोप कर क्या रहा है? टेलीस्कोप एक्चुअली आपका जो पॉइंट्स हैं, जो आपके डिस्टेंट होने की वजह से आपको पॉइंट्स की तरह दिख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उनको मैग्नीफाई कर रहा है। मतलब ये मैग्नीफाई ही कर रहा है, ठीक है। जो पुराने जो अपन ने देखे थे माइक्रोस्कोप्स, वो क्या करता था? वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करता था, ठीक है। ये जो है ये आपसे दूर बहुत है ना। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट्स तो अपने काफ़ी करीब रहते हैं, बट वो छोटे होते हैं, साइज में ही वो छोटे हैं, है ना, इसलिए उनको मैग्नीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। बट टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं बट अपने को वो दूर होने के कारण छोटे नज़र आ रहे हैं, ये टेलीस्कोप का काम है, ठीक है। उनको मैग्नीफाई करना, उसकी क्लियर पिक्चर अपने सामने लेके आना, ठीक है। तो उसका मैग्नीफिकेशन निकालना है अपने को ऑब्वियसली, ठीक। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एम है अपन इस चैप्टर के अंदर, या इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन बेसिकली बात करें जनरल, तो जो एम की बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, वो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैं आपको पहले भी ये समझा चुका था, तो जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप समझाया था तब मैंने समझाया था कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता क्या है ना। तो मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ, क्योंकि इस जो टेलीस्कोप टॉपिक है इसके अंदर फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये आपकी आँख है, आपने यहाँ पर रख रखी है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है एक डिस्टेंस पे यहाँ पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट ये है, ठीक है। तो ये आपसे जो एंगल बना रहा है वो कितना है? वो है अल्फा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। अब मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और थोड़ा सा आगे लेके आ गया, है ना, मैं डिस्टेंस कर रहा हूँ इसको, मेरे को दूरी तो करना है, टेलीस्कोप के अंदर अपन यही पढ़ने वाले हैं, पास और दूर, ठीक है। तो उसको मैंने डिस्टेंस कर दिया, है ना, थोड़े से और इसको खिसका दिया यहाँ पर। तो अब ये जो मेरे से एंगल बनाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल है मेरा, वो बीटा जो है वो अल्फा से कम हो गया। जैसे ही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो दूर गया मुझसे, मेरा जो एंगल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और ये नोटिस भी करते हैं हम हमेशा, जैसे कोई चीज़ अपने से बहुत दूर जाती है या दूर जाती है तो अपने को वो छोटी होती भी लगती है ना। जैसे कार है, अगर कार जैसे अपने पास से स्टार्ट होती है और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है तो वो कार अपने जो साइज है अपने को ऐसा लगता है कि वो छोटी होती जा रही है, तो यही सेम केस है। तो एम जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन उसको कैसे लिखते हैं अपन? बीटा अपॉन अल्फा, मतलब जो फाइनल इमेज बनी है आपकी, डिवाइडेड बाय उसका जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा था वो। तो क्या लिखा मैंने? मैग्नीफिकेशन क्या होगा? बीटा, जो कि फाइनल इमेज का जो एंगल आप बना रहे हो, ठीक, और अल्फा जो रियलिटी में जो उसका एंगल है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, पर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, आगे इमेज की बात करेंगे अपन। तो बीटा बाय अल्फा आपको याद रखना है, जहाँ पर बीटा जो है, जहां पर जो बीटा है वो है एंगल व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, और जो अल्फा है वो है एंगल विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला अपने पास है बीटा बाय अल्फा, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अपन अभी काम में लें। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है एक स्कीमेटिक, किसका? टेलीस्कोप का, ठीक है। तो अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते थे? कंपाउंड के अंदर आगे वाला लेंस छोटा होता था और जो आपका आई पीस है, जो मतलब आई के पास है, वो बड़ा होता था। पर यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है और जो आई पीस है वो छोटा है। तो ये एक फिगर है, रे डायग्राम भी बना रखा है, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है ना, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रहता है। ऑब्जेक्ट यहां पर काफी दूर है, पर ऑब्जेक्ट की साइड रखा है, इसलिए अपन इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये आई पीस है, ये वाला लेंस, ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि आई के पास रखा है। यहां से हम इस आई पीस से बिल्कुल, ये आंख एक्चुअली दूर बना रखी है उन्होंने काफी,
पर ये जो आंख है बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ ही लगी हुई है, मतलब आप जैसे कभी टेलीस्कोप में देखें तो बिल्कुल घुसा के तो देखते हैं आंख, है ना, मतलब आईपीस और आंख के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, लगभग लगभग बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस रहता है जब आप इसमें देखते हैं। यहाँ पर फिगर बड़ी करके दिखा रखी है इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि आई थोड़ा दूर है, पर एक्चुअली जब आप देखते हैं टेलीस्कोप से बिल्कुल आपकी आई बिल्कुल आई पीस के साथ ही रहती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं आई पीस, आई का एक पीस की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अपना जो ऑब्जेक्ट है जैसे अपन जो अपन स्टार्स देखते हैं प्लैनेट्स देखते हैं वो एक्चुअली कहाँ है, इन्फिनिटी पे, अपन मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटी से उनकी रे आ रही है ना, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी से आ रही है, अगर रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो ये तो मानने वाली बात है कि दोनों रेस पैरेलल होगी, जितनी भी रेस आ रही होगी, एक्चुअली यहाँ पर अपने को इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए रहती है, उसलिए दो रेस शो कर रखी है, बट जितनी भी इमेज आ रही है, जितनी भी रेस आ रही होगी स्टार से या प्लैनेट से या जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, वहाँ से जो रेस आ रही है वो पैरेलल होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एंगल एक तो क्या होगा कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से वो पास कर जाएगी। ठीक है, तो मान लो ये अल्फा कितने बना रही है एंगल, अल्फा बना रही है, और एक ऊपर आके टच करेगी, भाई पैरेलल नहीं है, पैरेलल का मतलब क्या है कि पैरेलल ये दोनों रेस आपस में पैरेलल है, ये दोनों रेस, पर ये कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये दोनों रेस आपस में पैरेलल है पर ये कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल नहीं है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कर रही है वो तो सीधी निकल जाएगी बिना किसी डिफ्रैक्शन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, सॉरी, है ना, डिफ्रैक्शन अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन के बिना ये रे पास कर जाएगी क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो ये जो रे आ रही है ऊपर वाली, ठीक है, ये रे रिफ्रैक्ट होके यहाँ जाएगी और इधर हिट करेगी, मतलब ये वाली रे और ये वाली रे जब दोनों आपस में मिलेगी जब भी तो इमेज बनेगी, है ना, इस लेंस के द्वारा, तो ये इमेज बन गई। अब इस इमेज के अंदर खास बात क्या है, देखो पहले जब अपन जो माइक्रोस्कोप पढ़ते थे, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर क्या होता था कि रेस अपन पैरेलल निकालते थे क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रहता था पास में, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता था, ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रहता था, तो अपन पैरेलल निकाल के ऐसे हिट कर देते थे उसको। ठीक है, पर यहाँ पर केस नहीं है, यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है पर रेस पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल, आपस में पैरेलल पर कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि जब दो रेस पैरेलल आती है ना, आपस में दोनों पैरेलल आती है तो वो हिट करती है जब कॉन्वेक्स लेंस को, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकल प्लेन पे बनती है, किधर बनती है, फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन क्या है, फोकल प्लेन वो प्लेन है जिसके अंदर फोकस लाई करता है, मतलब अगर मैं लेन अगर ये बनाऊं मैं इसका तो ऐसा बनेगा कुछ, ये आपका फोकल प्लेन है, ये आपका फोकस है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है इससे मतलब, है ना, ये वाला रे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट है ना, उसके अंदर ये फोकस बीच में लाए कर रहा है, तो इमेज जो बन रही है फोकस पे बन रही है। ठीक है, दूसरे जो केसेस होते थे जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ते थे और ये पढ़ते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अंदर क्या होता था कि अपन रेस सीधी पैरेलल निकालते थे, जो फोकस से पास करती थी, फोकस पे कट करती थी वो रे, है ना, तो जो इमेज है वो फोकस के आगे बनता था। ठीक है, पर यहाँ क्या हो रहा है कि जो रे है वो फोकस से पहले ही कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, और जो इमेज है वो बन रही है फोकल प्लेन पे। बात समझ में आई, पहले फोकस पे रे कट करती थी, इस बार फोकस पे इमेज बन रही है, तो ये आपको एक डिफरेंस है जो इसको टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अलग करता है ना। तो इमेज अपन कहाँ पे बन रही है, फोकल प्लेन पे, किसके फोकल प्लेन पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पे। आई बात समझ में, अच्छा अब आपको ये पता पड़ गया कि ये जो है इसका फोकल प्लेन है ना, तो ये फोकस होगा, ये ऑब्वियसली पॉइंट कौन सा है, ये फोकस है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो इमेज बनी, अब ऑब्वियसली ये जो इमेज बनी है किसने बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसके लिए, आई पीस के लिए, और अगर ये जो इमेज है ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है किसके लिए, आई पीस के लिए, तो ये सिंपल केस हो जाएगा किसका, अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो ये सिंपल केस हो जाएगा किसका, हो जाएगा ये सिंपल केस सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो ऐसा ही तो होता था उसके अंदर, ऑब्जेक्ट कहाँ होता था, सामने, है ना, इसके भी सामने ऑब्जेक्ट है और उसके बाद वो इमेज बना देता था, है ना, एक लेंस के साथ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसकी तो आपको मैग्निफिकेशन भी पता है, मैग्निफिकेशन कितनी होती थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, डी बाय एफ। ठीक, अब देखो अब अपने को मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा,
अब देखो, अभी मैंने क्या लिया हुआ है कि ये फोकल लेंथ जो इसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है उस पर बन गई इमेज, तो ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इमेज बन गई कहाँ पे, फोकस पे। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस के। अब मैं मान रहा हूँ कि जो इमेज बनी है ना वो कहाँ पे बनी, फोकस पे ऑब्जेक्टिव लेंस के, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, अपने को पता है अगर वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए उसके फोकस पे रखा हो, तो क्या वो इन्फिनिटी में इमेज बनाएगा? ये अपन ने पहले पढ़ा है, उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी बाई एफ, है ना। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वो खुद के फोकस पे तो बनी बनी, खुद के फोकल प्लेन पे, और वो साथ के साथ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है किसी उसकी फोकल प्लेन पे, है ना। ये भी क्या है, फोकस भी तो रखा है ये, है ना। ये एफ ई है, यहाँ से एफ ई है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक तरह से एफ ई भी है, मतलब फोकस ऑफ आई पीस। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए और जो इमेज है इसके लिए दोनों के फोकल प्लेन पे लाए करता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में भूल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में, अभी सिर्फ हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब सिंपल केस हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इसके फोकस पे रखा है, तो फोकस पे अगर रखा है तो वो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा, डी बाय एफ ऑफ ई, तो ये मैग्निफिकेशन है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है जो अपने को याद करना है वो डिराइव करते हैं। अब देखो, ये जो रे आ रही थी ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ये आ रही थी अल्फा एंगल पे, मान लेते हैं अपन, है ना, अल्फा एंगल पे ये आ रही थी। अल्फा बहुत छोटा सा एंगल है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा, भाई टेन अल्फा को मैं अल्फा भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल से। टेन फा अल्फा इजल्स टू, अल्फा इज इक्वल्स टू एच बाय एफ नॉट, ये फोकल लेंथ है ना इसकी, क्या ये फोकल लेंथ, तो क्या आ जाएगा, एच बाय एफ ऑफ ओ। तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बीटा की बात करते हैं, बीटा कहाँ है, यहां पर है, ठीक है। ये आईपीस के साथ जो इमेज बनाती है ना, आईपीस के साथ जो इमेज एंगल बनाती है वो ही क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। अब ये बीटा है, अब देखो यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन है ना, क्योंकि आपकी जो आंख है वो बिल्कुल आईपीस के करीब में लगी हुई है, ठीक है ना, एक तरह से पीस है आपका आई का, है ना, तो बिल्कुल आपकी आंख के यहाँ पर लगी हुई है। तो ये मान लो कि आपकी जो आंख है वो इधर है कहीं, है ना, होती भी है सच में, क्योंकि अपन बिल्कुल करीब से तो देखते हैं उसको, है ना, आपकी आंख कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है और यहाँ इधर जा रही है और ये इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये जो आपकी आई है यहाँ पर दूर बना रखी है, अभी मानो आपकी आपकी आई यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आपकी आई के साथ जो इमेज एंगल बनाती है वही बीटा होता है ना। यहाँ पे तो वही होता ना, यहाँ पे आई था और ये एंगल बीटा बना रहा था, तो मैं आई को यहाँ पर लेके आ गया अपने बिल्कुल पास में, ठीक है। तो इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है ना, तो आई के साथ जो इमेज बन रही होगी वो इन्फिनिटी पे कहीं है, ठीक है। तो अगर ये एंगल बीटा है, क्योंकि मैं ये आई इधर है, तो इसको भी तो बीटा होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये बीटा, ये अप्रोक्सीमेशन है ना, बिल्कुल अपन पास में लेके आ गए उसको, तो ये बीटा, ये वाला बीटा एंगल होगा, है ना। ये तो जो आपकी नोटबुक में देखा है वो है, मैं जो बना रहा हूँ आप उसको देखो, इस आई को मैं बिल्कुल पास में लेके आ गया, है ना। ये यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे आग थी ना इसकी, तो इसलिए यहाँ पे एंगल बीटा बना रखा था इसने, तो यहाँ पर लेके आ गया इसको मैं, यहाँ पे बीटा बन गया ये। अब लगभग लगभग मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल मेरे पास फॉर्म हो गया, कौन सा, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल। और इससे मैं लिख सकता हूँ कि टेन ऑफ बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन जो हाइट है इमेज की, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, अपॉन एफ ऑफ ई। सही बात है क्या, बोलो हाँ भाई। टेन ऑफ बीटा क्या होगा, एच अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यही फोकल लेंथ ही तो है ये, ठीक है। तो एफ ही लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि जो मैग्निफिकेशन अपन टेलीस्कोप में पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, बीटा अपॉन अल्फा, वैल्यू रख दो, बीटा क्या है, एच अपॉन एफ ई, अल्फा क्या है, एच अपॉन एफ ऑफ ओ। यहां से एच से एच कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ ओ अपॉन एफ ऑफ ई। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास आया कि एम मैग्निफिकेशन जो टेलीस्कोप प्रोड्यूस करता है वो होता है एफ ऑफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन एफ ऑफ ई, दैट इज आई पीस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आपको अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखना है ना, ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया मैंने आपको ये अच्छे से समझाया,
इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इमेज बनी हुई है, मैंने एक्चुअली इमेज लगाई इसलिए ये वाली एनसीईआरटी की, ताकि आपको समझ में आए, आप वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़ ना हो जाए, है ना, तो इसलिए मैंने इमेज लगाई है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये आग इसने दूर बना रखी है ना, इसलिए इसने यहाँ पे बीटा लिखा है। अपने को बीटा कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। और एक्चुअली एनसीईआरटी डेरिवेशन भी इस तरीके से कर रखा है, पर जो डायग्राम है वो थोड़ा ब्रॉड बना रखा है ना, इसलिए वो बीटा दूर नज़र आ रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये लास्ट पार्ट था टेलीस्कोप रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो अपने जितना भी कवर करा है वो सब कुछ बोर्ड में आ सकता है, डेरिवेशन्स अपन ने सारे करें, तो डेरिवेशन्स आपको सारे करने, कोई भी डेरिवेशन आपको पूछ सकता है, सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, चाहे वो लेंस का हो, लेंस मेकर हो, लेंस फॉर्मूला हो, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी अपन ने तीनों कवर कर दिए हैं, उनके मैग्नीफिकेशन अपन ने निकाल लिए, ठीक है। तो डेरिवेशन से पूछते हैं, और बाई चांस आपको अगर फोकल लेंथ दे दें दोनों ऑब्जेक्टिव और ईयर पीस की, आई पीस की, ईयर पीस बोल रहा हूँ मैं, तो आई पीस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की दोनों की आपको अगर वो फोकल लेंथ दे दे, तो आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूँ, तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, तो अपन ने जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, इसके अंदर सबसे पहला था अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड था अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और थर्ड है अपने पास टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसके अंदर दो फॉर्मूले आते थे, कौन से, डी अपॉन एफ और ये 1+D/F, ठीक है। डी अपॉन एफ कब होता था, जब आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट, जो आपका इमेज है वो इन्फिनिटी में बन रहा है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है। ये कब बनता था, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही फॉर्मूला आता था अपने पास, कौन सा वाला, एल अपॉन एफ ऑफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ऑफ ई, ठीक है। ये फॉर्मूला आता था, ये कब आता था, एक ही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, पर ये फिर भी कब आता था, ये जब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है ना। और अपना टेलीस्कोप लास्ट जो अपन ने अभी पढ़ा है, टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला आया अपने पास कितना आया, F ऑफ O अपॉन F ऑफ E, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक जो एक समरी है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, सारे डेरिवेशन अपन ने कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रे ऑप्टिक्स फिनिश होता है।